हेलो एवरीवन, मेरा नाम बिना है। अभी हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं अपने खेतों के तरफ, नदी के तरफ। ये देखिए हमारे गांव, ये जो दिख रहा है हमारा गांव है। ये हमारे पीछे जो दिख रहा है गांव, गांव के साइड से रोड आया है, उससे हम लोग गांव से निकले हैं और हम आप लोग अभी नदी पे पहुंच चुके हैं। नदी नहीं, एक छोटा सा नहर है, बट उससे ही हमारे खेतों में सिंचाई पानी वगैरह जाता है। मॉर्निंग वॉक के लिए तो निकल ही चुके हैं, बट बहुत ठंडा है, थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, हम लोग और सुबह ही निकलते हैं, 4-5 बजे निकल जाते हैं, बट इस बार थोड़ा लेट हो गया। कि लेट होने का कारण है कि ठंड ठंड ज़्यादा है। और देखिए नज़ारा, देखिए अभी खेतों में सरसों वगैरह लगा हुआ है, सरसों गेहूं। देखिए सरसों, और सुबह में आना चाहिए था बट थोड़ा लेट हो गया ठंड के कारण। एक दोस्त और था, वो उठ नहीं पा रहा था, तो उसको जबरदस्ती उठाकर अभी लाए हैं। अभी देखिए नदी का बात कर रहे थे, जो हमारा नहर जो आपको दिखाते हैं, हमारा नहर, नहर के पास आ गए हैं। हमारा नहर ये है, छोटा सा नहर है। हम लोग अभी छिलका पर खड़े हैं। ये इधर से पानी आता है और इधर की ओर मतलब चले जाता है, इससे हमारे गांव का सिंचाई होता है। देखिए हमारे साथी है जो अभी बात कर रहे हैं। अभी हम लोग नदी के अरार पे जा रहे हैं, मतलब नहर के अरार पे। ये हमारे साथी, इनको ही उठाने में लेट हो गया था, इसीलिए हम लोग लेट से अभी निकले हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। और आप देख सकते हैं अभी नदी को जो अरार होता है उस पे हम लोग चल रहे हैं। देखिए ये छोटा सा नहर, इसको नदी नहीं बोल सकते हैं, नहर बोल सकते हैं, क्योंकि छोटा मोटा है, इसे हम लोग सिंचाई करते हैं। देखिए व्यू कितना जबरदस्त व्यू है। तार का पेड़ है, ये देखिए इधर है, गेहूं लगा हुआ है, गेहूं सरसों बहुत सारा होता है। हमारे यहाँ जो दिख रहा है वो काफी दूर तक खेत हम लोग का है। हम लोग का गांव इधर पड़ता है और खेत बहुत यहाँ, यहाँ से बहुत दूर तक, मतलब यहाँ से लगता है कि 1 किलोमीटर दूरी तक खेत है। मॉर्निंग वॉक के लिए सब सुबह में इधर ही निकलते हैं। अच्छा लगता है, नेचुरल फील आता है। ठंड बहुत काफी है। ठंड कैसा है? बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत हवा जबरदस्त है, बहुत ज्यादा चल रहा है। दम हाथ क्या बोले, हाथ एकदम कन कन, पूरा क्या बोलते, एकदम ठंडा, ठंड से एकदम पथी सिकुड़ रहा है। देखिए तार का पेड़ है, कितना लाइन से लगा, तरीका से मतलब होगा है, एकदम तरीका से लगा है, 2, 4, 6, 7, जैसा लगता है कि रामायण वाला जो राम ने बाण चलाए थे, सातों तार को काटे थे, वही है, बट है नहीं। ये जंगली पौधा को तो आप पहचान ही रहे होंगे, इसको सरपत बोलते हैं। गांव के लोग होंगे जो पहचानते होंगे, बट जो शहर के होंगे वो नहीं पहचान पाते होंगे। हम लोग इससे पहले के ज़माने में जो मिट्टी के घर होता था, उससे हम लोग छप्पर, मतलब ऊपर से पानी नहीं टपकने, नहीं पानी ना आ जाए घर में, इसलिए इसको ऊपर से छा देते थे, मतलब रख देते थे कि पानी ना आए। छत की जगह पे ही काम करता था ये। देखिए आपको दिखाते हैं जूम करके, ये है, इसको नीचे से काट कर लेकर जाकर इसको तरीके से सरिया कर रख कर उसे बांध देते थे कि उड़ ना, हवा आए तो उड़ ना जाए, और इसको ऊपर रख देते थे। देखिए कितना साफ सुथरा है, मतलब कोई गंदगी नहीं मिलेगा। कि मैं जिधर हम लोग घूम रहे हैं उधर तो गंदगी नहीं मिला, बट गंदगी मिलता है वो इधर नहीं है। अभी हम दोनों भाई दातुन तोड़ेंगे मुंह धोने के लिए। यहाँ तो पेस्ट और ब्रश इस्तेमाल नहीं करते हैं, दातुन से ही हम लोग दांत साफ कर लेते हैं, और अच्छा से साफ भी हो जाता है। ऐसा कोई नहीं कि मतलब पेस्ट रहेगा तभी तभी साफ होगा। देखिए
दतमन का पेड़ है सर भाई, हम लोग इसको तिति भात बोलते हैं। तिति भात मतलब गांव में बोलते हैं तिति भात, ओरिजिनल नाम तो हमको भी नहीं पता है, पर इसका कुच्ची बहुत अच्छा होता है, मतलब मुँह धोने के लिए बहुत अच्छा है। अब आप हम लोग तोड़ते हैं फिर मुँह धोएंगे। देखिए जुन्नू भाई दतमन तोड़ रहे हैं और दोनों मिलकर इसमें दो दोनों का हो जाएगा, बीच से तोड़ो दोनों का हो जाएगा। बहुत ठंड है, जुन्नू बरा के हाथ वाला हार गया है, अब हम इसे ऊँध होंगे। आम के पेड़ दिखा दिए, अभी मॉर्निंग ब्लॉग बना रहे हैं। नहर दिख रहा है ना, ये नहर इधर से आ रहा है और काफ़ी दूर से जो फल्गु नदी बोलता है, फल्गु नदी से ये मतलब निकला है हमारे तरफ आता है। अब हम लोग गांव की ओर लौट रहे हैं क्योंकि काफ़ी दूर आ गए थे, ठंड भी बहुत और ठंड भी काफ़ी है, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं, मतलब आगे जा भी नहीं सकते क्योंकि पता ही है कि ठंड में अगर मार दिया ठंड तो मतलब बेड से भी नहीं उठ पाओगे, इसलिए इसमें ही भलाई है कि हम लोग अब घर के लिए रवाना हो जाएं, उसमें भलाई है। ऐसा नहीं है कि मतलब सुबह में निकलना ही नहीं, बस सुबह में चलो आधा घंटा निकल जाओ, सुबह मॉर्निंग वॉक हो गया बहुत है। देखिए हमारे पीछे व्यू कितना अच्छा, पेड़ पौधा नेचुरल, एकदम नेचुरल है, मतलब पूरा खंधा नेचुरल है, पूरा खेत नेचुरल। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जल्दी अभी हम लोग गांव के लिए निकल गए हैं। बहुत ठंड है, हम लोग को जाना पड़ेगा, बहुत ठंड लग रही है। ओह काजनू ठंड लग रही है, उधर देखा उधर देखिए कुहा से मतलब घिरा हुआ है, कुहा कोहरा जो भी बोलिए, मतलब धीरे धीरे फॉग और बढ़ रही है, फॉग बढ़ रही है और हवा भी बढ़ रही है। सूरज भी नहीं निकला और टाइम हो चुका है अभी 8:30, 9 बजने वाला है, अभी 9 बज गया है। ठंड में कोई कमी ना, देखिए नज़ारा पानी गिर रहा है, अभी इसमें पानी बहुत कम है, पानी बढ़ता है तो और बढ़िया व्यू आता है, मैंने झरना की तरफ भी और लगता, मतलब यहाँ तक ऊपर तक पानी आ जाता है, ऊपर तक मैंने पानी इसमें इतना आता है ना कि मतलब पूरा जो दोनों आरार दिख रहा है ना उसमें मतलब सट जाता है, ऊपर तक आ जाता है पानी। एक समय तो इतना आया था कि मतलब ऊपर ही जब दिख रहा है ना ये पुल मतलब छिलका इस पे आ गया था। हमारा गांव देख सकते हैं, ये जो पीछे दिख रहा है वो मेरा गांव है और उधर की जो हम जा रहे हैं बोला देता, ये देखिए सरसों फूल ले चुका है और ये सरसों है इसमें फल ले चुका है। देखिए हमारे गाँव का स्कूल है, इसमें हम लोग बचपन में पढ़े थे। देखिए पहले तो खपड़ा का था बट अब थोड़ा मतलब प्लास्टर वगैरह हो गया है, ढलाई हो गया है। दोनों भाई अभी पहुंच चुके हैं गांव के अंदर, हिल चुके हैं गांव के अंदर, अब हम लोग बस घर थोड़ा देर में पहुंचने ही वाले हैं और फिर हम लोग खाना वाना खाएंगे। हमारा गांव का ये सब सीन है, ये खंडहर है इसमें लोग रहते नहीं हैं। फाइनली हम अब घर पहुंच चुके हैं अपना, अब जाएंगे मुंह धोएंगे कुल्लूली करेंगे। फाइनली अब ब्लॉग खत्म करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।